आगे बढ़ेंगे इस वक्त अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से खबर है जहां पर महंगाई के खिलाफ आज हल्ला बोल है। पेट्रोल और डीजल इसी के साथ गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में हल्ला बोला जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और पार्षद प्रत्याशी ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिर से बता दें कि कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ, चाहे वो पेट्रोल डीजल की है या फिर एलपीजी। लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से इस प्रदर्शन में, जैसे कि बताया कि पार्षद होंगे, पार्षद प्रत्याशी होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष होंगे और सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके। दीपक, क्या जानकारी है, हल्ला बोल की तैयारी कैसे, इस वक्त क्या माहौल है वहाँ? देखिए, दो दिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव के बाद लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई जी। आज भले ही पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है, कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन तो किया जाएगा, केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र का प्रदर्शन है जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर किया जाएगा, जिसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है उस धरना प्रदर्शन को नेतृत्व करेंगे और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ताओं का दूसरा शुरू हो गया है, जिसके अंदर विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं या संगठन के जो दल के जो कार्यकर्ता है वो इस धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। क्योंकि देखिए, 5 राज्यों में जब इलेक्शन हुए तो 140 दिन तक जो दाम है पेट्रोल डीजल और गैस के वो स्थिर बने हुए थे, मीटर भी दौड़ा था, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके ठीक 10 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 दिन तक लगातार बढ़ोतरी की गई। साथ में जो एलपीजी के दाम है वो 50 रुपए बढ़ाए गए। ऐसे में यहाँ अब जो कांग्रेस है अब इस मुद्दे को घुराने के अंदर लगी हुई है, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि चुनाव एक कह सकते हैं मोहलत का ट्रेंड बन चुका है चुनाव पेट्रोल और डीजल और गैस के लिए। इसलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, केंद्र सरकार को घेरा जाए और वही रणनीति के तहत आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी जी, ठीक है दीपक, फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। जो भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो वृद्धि दर्ज की गई है, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है और इन्हीं बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से आज किया जाएगा। तो जालौर के भीमलाल नेहरू